आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी राजस्थान में रोजगार लाएगी, भाजपा आएगी राजस्थान में पेपर माफिया को मिटाएगी। मेरे परिवारजनों, जब कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो वहां निवेश नहीं होता, वहां व्यापार कारोबार चौपट हो जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं, जोधपुर जब दंगों में जल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे ना? जवाब दोगे ना? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है, एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था? ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान अब ये नहीं सहेगा। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी, भाजपा आएगी, गुंडागिर्दी रुकवाएगी, भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले ही देश ने एक इतिहास रचा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो गया है, लेकिन इस कानून ने कांग्रेस और इसके गमंडिया गठबंधन के नेताओं की पोल खोल दी है, उनको बेनकाब कर दिया है। ये लोग कभी महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, इसलिए अब ये कानून बनने के बाद ये बौखला गए हैं। ये लोग आए दिन देश की बेटियों के लिए अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने बहनों को दी ये गारंटी
मोदी ने पूरी कैसे कर ली ये नहीं जानते, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी।